हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडस्ट्रीज में जो सब स्टेशन होते हैं उसमें जो है स्टोन्स का यूज क्यों किया जाता है एज ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आखिर इसका क्या रीजन है और स्टोन यूज करने से टेक्निकली हम लोग किस तरह से जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये वीडियो एंड होने तक जो है आप इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो प्लीज गाइस, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कोई भी अगर डाउट क्रिएट होता है ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम लोग लाइक का एम करते हैं 10। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे तो जरूर आप लाइक करोगे। गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो है यूट्यूब में इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे और बहुत सारे वीडियोस में जो है ये बताया गया है कि सब स्टेशन में जो है घास उग जाते हैं, पेड़ उग जाते हैं, जिसको अवॉइड करने के लिए जो है ये स्टोन्स का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप किस इंटरव्यूअर के सामने ऐसा आंसर दोगे ना, पहले ही आपको रिजेक्ट कर देगा। आप जो है एक टेक्निकल रीज़न के साथ जब आप इसका आंसर दोगे तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने इम्प्रेशन जो है इंटरव्यूअर के सामने रख सकते हो। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो स्टोन्स यूज़ होता है, ये स्टोन्स यूज़ करने का क्या मेथड है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। गाइस, सबसे पहले जो है मिट्टी से उस जगह को पूरा लेवल कर लिया जाता है और उसके बाद उसमें जो है 100 mm की चौड़ाई का बाली से जो है पूरा प्लेन होता है। उसके बाद उसमें जो है ब्रिक्स बैठाए जाते हैं और ब्रिक्स के बाद जो है उसमें PCC किया जाता है। PCC करने के बाद जो है स्टोन्स को बैठाए जाते हैं। अब गाइस, में क्वेश्चन आता है कि स्टोन्स जो बैठाए जाते हैं वो कितने साइज क्या है आखिर, तो उसका साइज जो है 2 से 2.5 mm का होता है। मैं आपको जो है तीन रीज़न बताऊंगा जिसके वजह से सब स्टेशन में स्टोन्स का यूज़ किया जाता है। पहला है स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल से प्रोटेक्ट करना, दूसरा हो गया हमारा एज ए इंसुलेटर वर्क करना, और तीसरा मैं जो है इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल आखिर क्या है। गाइस, सपोज मान लीजिए आप जो है सब स्टेशन पे वर्क कर रहे हैं और उस टाइम कोई एक लाइव कंडक्टर जो है किसी भी कारण टूट के जो है जमीन पे गिर जाता है, तो उस टाइम जो है उस जगह में स्टेप पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। अब स्टेप पोटेंशियल जहाँ क्रिएट होता है उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिसिटी फैलना स्टार्ट करती है, और आप अगर वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होने के एरिया के बीच में अगर कहीं भी खड़े हो तो उस टाइम जो है आपको शॉक लगने का चांसेस 110% बढ़ जाता है। वो इस तरह की अगर कोई भी केबल जमीन से टच हो गया है और उस टाइम अगर आप आगे जाने के लिए अपने पैर को जब बढ़ाओगे तो उस टाइम आपके बॉडी में जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि जिस जगह में केबल गिरा है वहाँ 33 kV है, उससे थोड़ा सा दूर जाएंगे तो हमें जो है 30 kV, उससे थोड़ा दूर जाएंगे 28, 25, इस तरह जो है वो जो है स्प्रेड हो जाती है। अब जब आप उस जगह से दौड़ के अगर दूसरे जगह जाओगे तो एक पैर सपोज मान लीजिए आपका 20 kV के घेरे में है और दूसरे पैर आपका जो है 15 kV के घेरे में है, तो जिसके वजह से उस जगह में आपके बॉडी पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट हो सकता है। स्टोन यूज़ करने का फ़ायदा हमें ये मिलता है कि ये जो स्टेप पोटेंशियल है इससे हम लोगों को प्रोटेक्ट मिलता है, यानी कि ये जो है ज़्यादा देर तक स्प्रेड नहीं होता है, तुरंत जो है ग्राउंड में चला जाता है, ऐसे इंसुलेटर ये जो स्टोन है वो वर्क करता है। गाइस, अब बात करते हैं टच पोटेंशियल। सपोज मान लीजिए कि कोई भी लाइव कंडक्टर टूट के किसी ट्रांसफार्मर के ऊपर आके गिर गया है और आप जो है देखे नहीं है और आप उस ट्रांसफार्मर के बॉडी के साथ जो है टच हो गए हैं, तो आपको शॉक लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे जो है टच पोटेंशियल कहते हैं। तो जब ये स्टोन्स का यूज़ हम लोग करते हैं तो वो एज ए इंसुलेटर काम करती है, जिसके वजह से उस जगह में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सभी लोगों को पता है कि करंट जो है लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। हम लोग जो अर्थिंग किए होंगे उस ट्रांसफार्मर में, उस ट्रांसफार्मर के अर्थिंग से जो है वो जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट कर देगी और हम लोग जो है उस जगह में सेफ रहेंगे। गाइस, तीसरा रीज़न ये है, सब स्टेशन में जो है 20% एक्सीडेंट जो है ना वो रेप्टाइल्स की वजह से होता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो रेप्टाइल्स है ये किसी ना किसी कारण से हमारे जो सब स्टेशन से उसमें जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स है जहाँ पर 3-phase सप्लाईज आए उस जगह में ना जाने हुए भी वो जो है आ जाते हैं, तो जिसके वजह से जो है शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है। और गाइस, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इंडस्ट्रीज के सब स्टेशंस में जो है स्टोन्स का यूज़ होता है, तो ये रेप्टाइल्स जो है स्टोन्स के ऊपर से जब मूवमेंट करती है तो इसका जो मूवमेंट है बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से ये जो है आने का संभावना जो है 80% कम हो जाता है। तो गाइस, मैंने अभी आपको ये जो तीन रीज़न बताया, स्टेप पोटेंशियल एज ए इंसुलेटर और एक रेप्टाइल्स,
ये तीन ही मेन रीजन है जिसके वजह से जो है सब स्टेशन में हम लोग स्टोन्स का यूज करते हैं। अगर आप ये तीनों को ना बोल करके आप अगर बोलोगे कि पेड़ उग जाता है या फिर घास उग जाता है तो वो टेक्निकली जो है सही नहीं होगा। बस मैंने अभी जो भी बताया यह रीज़न है कि इंडस्ट्रीज़ के सब स्टेशंस में स्टोन्स का यूज़ क्यों किया जाता है। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोज़ हैं आपके तक बहुत आसान तरीके से पहुँच जाए। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।